बता दूं कि कल मैं एक्चुअली गाना रिकॉर्ड कर रहा था, इसलिए इसका सेटिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। बट उससे तुमको एक बात मालूम पड़ जाती है कि न्यू फ्री वर्स ड्रॉपिंग सून भाई लोग, ठीक है? सो खुशखबरी है, फटाफट देखो यार 35 की करवा दो, 35 की पे मैं ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है? ये एक अच्छा ओकेशन होगा, तो मैंने वो सोचा है। एंड फाइनली ये बात तो हो गई। अभी दूसरी बात ये है, पहले देख लो प्रमोशन कैसा खतरनाक करता हूँ नहीं मैं। सेकेंड बात ये कि थोड़ा अभी सीरियस हो जाते कि टुडे इज द ब्लैक डे फॉर नेपॉप, ठीक है? बिकॉज वी लॉस्ट अ लेजेंड टुडे, यामा सर ऑब्वियसली। सो माय ट्रांसलेटर सेंड मी दिस, एंड मैंने उस सोचा कि यू नो इसको आज ले आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपन उनको यू नो याद तो रोज़ ही करते हैं। मेरे तो मतलब अलार्म पे भी वही रखे हुए हैं, मैं उठता भी रोज़ उनके गाने से ही हूँ। बट आज ज़्यादा फैंस उन्हें एक डेट की वजह से यू नो ज़्यादा रिमेंबर कर रहे होंगे, तो मेरे को लगा यार ये रिएक्शन आज ड्रॉप करना ज़रूरी है। और मेन पर्पस ये है कि यार मतलब यू नो सैड होने का कोई मतलब नहीं है। वो जब तक थे वो बहुत अच्छे काम करके गए, बहुत अच्छे गाने ड्रॉप करके गए, उनका म्यूज़िक हमेशा हमारे साथ है। सो यू नो हम उनको म्यूज़िक के थ्रू रिमेंबर करते हैं और खुश रहते, ठीक है? क्योंकि वो भी जहाँ पे होंगे वो चाहते होंगे कि उनके फैंस हमेशा खुश रहें। सो दैट्स व्हाई यार लेके आया मैं, तो गिफ्ट समझो। थैंक्स टू संदेश गौतम भाई फॉर द ट्रांसलेशंस। एंड ज़्यादा बातें नहीं करते, एमसी फ्लो का गाना होने वाला है, तो यू ऑलरेडी नो कि भाई ही इज अ स्टोरी टेलर, ठीक है? अच्छे से पोर्ट्रे करते बहुत चीज़ें, तो वर्स टू वर्स जाएंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, मजा आएगा, ठीक है? तो मैं तुम्हें बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगा, फील करते गाने को। फिलहाल के लिए लेट्स गेट इन। बाय द वे गाने का नाम है यात्री, तो यात्री मीन्स होता है ट्रैवलर, ठीक है? वो तो पता ही है यार तुमको, इतना डिटेल कहाँ जा रहा हूँ मैं। बट वी ऑलरेडी नो मोटिवेशनल हो सकता है शायद। लेट्स गो। फोटो भी यू नो एउटा हातमा कोको बोतल, अर्को हातमा चुरो च्यापी, हिँड्दैछु म एन्ड यस आइम फिलिङ रियल ह्याप्पी। पुरानो जिन्स अनि दसैँमा किनेको यो जुत्ता, आइम कम्फर्टेबल डिस्पाइट आइम अन पुरानो लुगा। पुरा हल्लिँदै बाटोमा हिपहप गीत सुन्दै, अरू सबैजना भन्दा मेरो पारा नै भिन्दै। हेर्नेले जे सुकै भनौँ तर मलाई बाल छैन, म त तँ जस्तो नै हो, कुनै कलाकार होइन। प्रश्न हिँड्दा हिँड्नु शुरुआती लाइन्स में उनने बोला हुआ है कि वट एवर इज़ विथ मी आई एम हैप्पी विद इट, ठीक है? तो अगर वो बोल रहे कि एक हाथ में बॉटल एक हाथ में चुरोटे, ठीक है? एंड आई एम फीलिंग रियल हैप्पी टुडे, एंड यू नो विथ ओल्ड जीन्स, मैंने पुराने कपड़े पहने हुए, ओल्ड शूज़ पहने हुए जो मैंने दशहरा पे लिए थे, ठीक है? वो ओकेशन होता है तो वहाँ पे नए कपड़े पर लेते, बट मैं ओल्ड क्लोथ्स में रहने के बाद भी मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, जो भी मैं खुश हूँ, ठीक है? और लोग बेसिकली मुझे बोलते होंगे कि अलग अलग बातें करते होंगे कि ये ओल्ड क्लोथ्स में क्यों है, ये ऐसा क्यों दिख रहा है, तो आई डोंट केयर अबाउट देम, ठीक है? और मैं भी तुम जैसा एक इंसान हूँ। लोग बोलते होंगे ना कि भाई ये तो आर्टिस्ट है, इसको तो कुछ अलग पहनना चाहिए या अलग दिखना चाहिए कुछ ऐसा, तो वो बोल रहे कि मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जैसे एक नॉर्मल इंसान हूँ सबसे पहले। दैट्स व्हाई आई डोंट केयर अबाउट देम एंड आई एम हैप्पी विद माय लाइफ, दैट्स इट। कलाकार होइन, प्रश्न हिँड्दा हिँड्दै अघि बाटोमा लड्ने हो कि कुनै बेला अचानक दुर्घटना पो घट्ने हो कि घर फर्किने कि अझै अगाडि बढ्ने हो कि आकाश हेर्दै आँखा बन्द गर्ने धुवा भित्र होमी वरिपरि हेर्दै साला कोही पनि छैन, साथी त्यति माया गर्ने गर्लफ्रेन्डले पनि मलाई छाडी, अर्कोसँग भागी मलाई एक्लो पारी, तर उबिना पनि म हिँड्न सक्छु, म हुँ यात्री। एग्जैक्टली मेरे को पहले से आइडिया लग गया था कि यू नो इस साइड में शिफ्ट होने वाला है। बेसिकली वो कहना चाहते हैं कि दुनिया में ना बहुत चीज़ें तुम्हारे साथ घटती है, बट एक ट्रैवलर जैसे चलो, ट्रैवलर कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, ठीक है? यात्री कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती है। वो बोल रहे हैं कि स्टिल तुम हमेशा खुश रहो और यू नो आसमान पर देखो और यू नो अपना आँख बंद करके स्मोक करो होमी। वो बोल रहे हैं कि और पहले तो मैं अगर यू नो लड़की की बात ना होवे, मतलब दिल टूटे आशिकों वाली बात ना होवे, तो मैं समझ नहीं सकता कि एमसी फ्लो का गाना है भाई, ये चीज़ें होती है। वो बोल रहे हैं मेरे पास बंदी थी जिसे मैं बहुत प्यार करता था और वो भी एक दूसरे लड़के के साथ भाग गई, बट स्टिल यू नो मैं खुश होकर चल रहा हूँ बिकॉज मैं हूँ ट्रैवलर, मैं हूँ यात्री भाई। दैट इज द सीन ब्रो, लेट्स गो भाई। वो यू नो तुमको सिखा रहे जस्ट टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है? अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से कभी किसी लिए मत रुको यार। भाई साहब ये पीछे से एडलिस्ट में क्या क्या चल रहा है। वो बोल रहे की ठीक है मेरा लाइफ ही ऐसा है या ये मेरा फॉर्च्यून है, वो खुद से क्वेश्चन कर रहे कि मेरा भाग्य ही शायद से ऐसा है, ठीक है? बट स्टिल ड्रीम्स आर, मतलब मेरे जो
ख्वाब है वो आज भी ख्वाब है, स्टिल भी मैं खुशी से चल रहा हूँ, बिकॉज मैं हूँ यात्री भाई साहब। मोटिवेशनल जिन्दगीको डोरी कतै चुडिने पो हो कि शङ्का र सङ्कोचमा जिउने म हुँ भावनाको रोगी सधैँ रोई बस्ने तर के हुन्छ र आँसु पोखी जहाँ हाँस्दैन कोही पड्कन्छ बारु गोली आफ्नै हरको साथ पे आंसू पोसने का क्या मतलब जहां पे साला हंसता ही नहीं कोई ब्रो डैम भाई साहब। वो बोल रहे कि यू नो मैं वॉक कर रहा हूँ ठीक है, और अपने बैग्स में मैं लोडेड पेन और यू नो कॉपी लेके चल रहा हूँ, और वो बोल रहे कि मैं आज अपना काम करता हूँ जस्ट बिकॉज कि मेरा जो कल है वो बहुत ही अच्छा जावे ठीक है, फ्रूटफुल होवे वो, और आई सॉ बिग ड्रीम्स बाय कीपिंग होप इन हार्ट, और कभी भी यू नो लाइफ का जो ये रोप है वो भी टूट सकता है ठीक है। सो उसी डाउट्स में मैं जी रहा हूँ, और यू नो भावना का मैं रोगी हूँ, मतलब फीलिंग्स का मैं रोगी हूँ, मैं ओवर थिंक करता हूँ अपने फ्यूचर के बारे में एवरीथिंग। सो वी ऑलरेडी नो ठीक है कैसे चीजें चल रही है यहाँ पे। डैम बोली अपने होर को साथ मा खेल चल रोग चुको होली सबे हरी जय बोली ध्यान छैन काम काज मा सबे जाना लोभी हिट्छन् मात्र आफ्नै स्वार्थ मा म लाचार छु यथार्थ मा बेरोजगार को समाज मा भत्केको छ घर यहाँ छिमेकी को मार मा तर हारेको छ। ओ भाई ये तो बहुत डीप चले गए यहाँ पे भाई ठीक है, गाने में यू नो दिल टूटे आशिकों वाली भी बात हो गई पहले एमसी फ्लो ने, भर भाई यामा सर तो सीधा सोसाइटी के ऊपर ही चले जाते हैं भाई, सोसाइटी ही खराब है भाई समझ रहे हो। यहाँ पे लोग अपने लोगों के साथ मतलब यू नो खून की होली खेल रहे ठीक है, गन्स फायर हो रही है ठीक है, कोई अपने फ्यूचर पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा, रियल वर्क पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा, सब यहाँ पे ग्रीड में फंसे हुए ठीक है। भाई साहब यामा सर भाई अलग ही चीज़ लिखते थे ठीक है, वो फिर बोल रहे कि मैं लाचार हूँ इन बेरोजगार समाज के ऊपर ठीक है, वो बोल रहे कि यहाँ पे घर टूटे हुए, नेबर्स आर इन पेन, वो सब चीज़ें कैसी है तुमको पता है भाई ठीक है। लेट्स गो भाई, ये चेंज लाने के लिए चीज है भाई बनाई हुई। लेट्स गो सिमेकी को मार मा तर हारे खोजे छैन माया मारे, कौन सोच रहा है कि भाई ट्रैवलर टाइप के सॉन्ग के बीच में ये सब चीजें बताई जाएगी कि भाई घर टूटे हुए ठीक है, सब बिखरा हुआ है, कोई कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है, भाई सब कुछ अलग ही जा रहे भाई। देखो ने है ना सदे लड़ने छु मा हाथ बांधी बस्ने मध्य है ना अगी बढ़ने छु आका साथी न लड़ने कुरे भैन तर रगत पसिना एक गरे न हुने कुरे छैन बेसिकली। वो बोल रहे कि मैं हमेशा आगे बढ़ता रहूंगा ठीक है, लाइक अ ट्रैवलर मैं शायद से मैं गिर भी सकता हूँ बट अपना खून पसीना यू नो वापस जुटा के मैं फिर से खड़ा होकर दिखाऊंगा ठीक है, और वापस आगे बढ़ूंगा। दैट्स मोटिवेशन ब्रो। जिंदगी ऐसे हो कि मेरो भाग्य fucked up bro। डैम भाई बहुत सही गा रहा हूँ भाई, वो बोल रहे कि शायद से मेरा भाग्य ही ऐसा है ठीक है, एंड स्टिल मैं टायर्ड नहीं हूँ, मैं हमेशा वॉक करता रहूँगा, इस ज़िंदगी से बाहर निकल के दिखाऊंगा ठीक है। दैट्स द सीन व्हेन आई वाज 7 years old आई यूज्ड टू लिसन दिस सॉन्ग ऑन माय मॉमी नोकिया टुक टुके मोबाइल, नाउ आई एम 17 दिस इज़ वाई एमसी फ्लो एंड यामा बुद्धा आर लेजेंड भाई। एग्जैक्टली भाई यार, तो देख रहे हो भाई यार कमेंट्स पढ़ने में बहुत मजा आता है मेरे को ठीक है, लोग क्या सोच रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम लिसनिंग टू एंड इट्स जस्ट हिट्स इन द राइट स्पॉट विद लेजेंड यामा बुद्धा सर। ओ भाई आई स्टिल लव दिस सॉन्ग, दिस इज माय वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स मिसिंग यामा बुद्धा सर। यार ये इतना बड़ा बड़ा पैरास क्या लिखे हैं, द सेम वाइब्स भाई, टू लेजेंड्स टुगेदर। एग्जैक्टली भाई यार अपन और भी सॉन्ग्स रिकॉर्ड मारेंगे ठीक है, ऐसे वाले कोलैब सॉन्ग्स मजा आता है भाई ठीक है, ये एक अलग फील है भाई ठीक है, ऐसे याद करेंगे सर को। और भी सॉन्ग्स तो मुझे सजेस्ट कर देना नीचे कमेंट सेक्शन में, एंड लाइक कर दो भाई वीडियो को,
आज ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, दिस इज स्पेशल वीडियो भाई तुम्हारे लिए गिफ्ट है भाई, रखो इसको और देखो खुश हो, और सॉन्ग्स बताओ, और सॉन्ग्स पर रिएक्शन आने वाले हैं। बाकी हैप्पी उत्तरायण भाई तुम्हारे यहाँ पे, हाँ उत्तरायण होगी ना आज, तो हैप्पी उत्तरायण टू यू गाइस। ठीक है, पतंग वतंग उड़ाओ यार, तुम पतंग वतंग काटो यार, लड़कियों ने तुम्हारा वैसे ही काट लिया, अब तुम उनकी काटो, तो जाके वो सब करो। और या मैन आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी और अच्छे रिएक्शन, स्टे सेफ, वेयर मास्क, टेक केयर एंड टाटा। हुआ मैं तो ये गेमों का खेल के टिकटॉक और चूतियों की गाना हम पहले थे, गेम को घुमाता हूँ जैसे ये बेबलेट, हल्का समझते अब कहता हूँ चेक में, स्कूल में तालिक तरह बुक थी क्लास में, दिखते ही दिखते हैं गुम हो गए बैच में, ढूंके मिले फ्रॉम द पीपल हु आर फेक, एम11 विद वुमन और अ स्नेक, अकेला काटा था मैंने बर्थडे केक, इमेजिनेशन में किया था बेक।